मुमरा पर 400 लोगों के धर्मांतरण का आरोप लगाने वाली गाजियाबाद पुलिस को भाई साहब उर्फ सैयद अली अशरफ और एडवोकेट जजील नवरंगे ने भेजा कानूनी नोटिस। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। हाल ही में गाजियाबाद में एक नाबालिग लड़के के धर्मांतरण का मोबाइल गेम ऐप के जरिए कराने का मामला सामने आया। आरोप लगा मुमरा कौसा के देवीरी पाड़ा के रहने वाले शाहनवाज खान पर। शाहनवाज खान ने मोबाइल गेम ऐप पर जो है गेम खेलते हुए उसका धर्मांतरण कराया, ऐसा आरोप है। वही 400 और लोगों का धर्मांतरण मुमरा में कराया गया, यह भी दावा किया गया और इस तरह की बात मीडिया में भी गाजियाबाद पुलिस के डीसीपी निपुण अग्रवाल ने कही। अब इसी बात को कानूनी मोड़ पर लाते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महासचिव, मुमरा के मुस्लिम समाज के नेता भाई साहब उर्फ सैयद अली अशरफ और उनके एडवोकेट जजील नवरंगे, इन्होंने गाजियाबाद पुलिस को और डीसीपी निपुण अग्रवाल को एक कानूनी नोटिस देकर के इसका खुलासा मांगा है और माफी मांगने की मांग की है। अगर नोटिस का जवाब नहीं आता है तो क्या करेंगे, इस पर भी बात की है सैयद अली अशरफ और जजील नवरंगे ने। साथ ही उन्होंने तमिलनाडु और राजस्थान के धर्मांतरण के कन्वर्जेशन के 400 के ही मामले इसके लिए इसकी पुष्टि के तौर पर सामने रखे कि एक आंकड़ा पकड़ लिया जाता है और फिर उसी को घुमा फिरा करके समुदाय विशेष को बदनाम करने के लिए टारगेट किया जाता है। सर क्या कहेंगे आज यहाँ पे पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया है, क्या मुद्दे को लेकर पत्रकार परिषद? जैसा कि आपने पिछले दिनों सुना होगा कि गाजियाबाद पुलिस ने ये मुमरा शहर के ऊपर आरोप लगाया कि यहाँ पे 400 लोगों का धर्मांतरण किया गया है, जो पूरे लीडिंग न्यूज लीडिंग चैनल ने इसको पूरा दिन चलाया। एक कोई आरोपी उन्होंने पकड़ा है, उसने क्या मालूम क्या कोई लैपटॉप से उसने नमाज पढ़ने के लिए कहा, ये कहा, उससे हमको मतलब नहीं है। वो जो करेगा वो अपना करे, उसके ऊपर जो पुलिस का काम हो पुलिस करे, लेकिन एक एसपी गाजियाबाद इस तरीके से गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं कि गुजरात के से फोन आया और उसकी तहकीकात ना करते हुए सीधा उन्होंने मुमरा का नाम लगा दिया। तो मेरा अपना यह वो है कि भाई हर चीज में मुमरा का ही नाम लगा दिया जाता है, आतंकवादी मुमरा। ये तो इस शहर के अंदर 5-7 लाख की आबादी है जो सुबह काम पे जाती है और शाम में काम से वापस आती है और थक के टूट के सो जाती है। शहर के अंदर खाली 200-250 लोग है जो साइकिलिंग करते हैं 2.5 किलोमीटर में, बाकी सारे लोग काम और रोजगार के लिए जाते हैं। सबसे सेफ्टी जगह है जो किराए के मकान में यहाँ पे रहते हैं लोग, जो किराए का बार बार से परदेशों से आते हैं, दवा का काम करते हैं तमाम सब, वो तीन तीन चार चार एक फ्लैट लेके उसमें 4-6 लोग मिल के रहते हैं, वहाँ पे स्ट्रगल करते हैं मुंबई के अंदर। इतनी मेहनत का शहर को बार बार इल्जाम लगाना और इतना गैर जिम्मेदाराना, अगर 400 लोग है, हमारा मतलब इससे नहीं कि जिसको पकड़े है वो किसका कनेक्शन है, पाकिस्तान का कनेक्शन है, ISI का है, जो उसको जो करना है आप कीजिए, लेकिन शहर मुमरा को आप जिस तरीके से 400 का वो किया, इसके लिए आप माफी मांगे। 400 लोगों का धर्मांतर हुआ तो उनकी लिस्ट जाहिर करें। हमारे यहाँ के DCP साहब ने तो बताया कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, तो उनको भी बोलना चाहिए या उनको माफी मांग लेना चाहिए, मांगना चाहिए कि ये जो न्यूज थी ये गलत न्यूज थी और ऐसा कुछ भी नहीं शहर में। पर्टिकुलर जिस हालत में जिनको पकड़ा उकड़ा उन्होंने, उनसे उनकी जो जांच करना है वो अपना जांच करे, जो उनको सजा देना है उसको सजा दे ना। तो ये बार बार इस शहर के लिए किया जाता है, तो इसके लिए हमने एक नोटिस इशू किया है हमारे एडवोकेट जजील साहब के माध्यम से उत्तर प्रदेश के SP वहाँ के मुख्यमंत्री जी को और डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस निपुण अग्रवाल DCP गाजियाबाद जोन को कि उसका वो कॉपी कि इसके ऊपर या तो वो माफी मांगे वरना कोर्ट के लिए तैयार है। तो आपको क्या लगता है इसका कुछ असर निकल कर सामने आएगा? देखिए ऐसा है कि मैं मानता हूँ कि माइनॉरिटी कम्युनिटी को अब कहीं ना कहीं पारसी बनना पड़ेगा, पारसी को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इस तरीके से नहीं करेंगे तो कोई भी उठ के कल कोई भी उठ के 500 का बयान कोई बोलेगा, 500 लोगों का कन्वर्टेशन होता है। ये शहर अमन पसंद शहर है,
यहाँ पे हिंदू रहते हैं, किसी का किसी तरीके से, इतनी बड़ी लिस्ट है लड़कियों की जो क्या नाम है अपना दूसरे धर्म में जा रही है, मुस्लिम लड़कियों की। हाँ मुस्लिम लड़कियों, तो हम उसके ऊपर कौन सा गुनाह दाखिल कराए, कौन सी लवजिया का वो करे। भाई साहब आप जो लिस्ट दिखा रहे हैं मुस्लिम लड़कियों का बता रहे हैं, दरअसल इसमें उमरा की ही लड़कियां हैं या और कहीं की लड़कियां हैं, कितनी लड़कियों का लिस्ट आपके पास है, क्या देखिए इसमें जो भी है 10-20 लोगों का है मेरे ख्याल से लिस्ट, ये आपको दे देंगे है ना। हमारा ये बोलने का मतलब ये नहीं है, इशू हमारा ये नहीं, इशू हमारा ये है कि कब तक ये इल्जाम लगाता रह जाएगा। भाई साहब जो ये लिस्ट है ये स्पेशल मैरिज की ऐसे कोई लिस्ट मैरिज से निकाली गई लिस्ट है। हाँ। तो जैसा कि उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का कानून है तो उसके ऊपर उसको बच्चे को वहां लेके गए ना, हम कौन से कानून में जावे कि क्या है, हमारे महाराष्ट्र में तो ये है नहीं, और ऐसा 400 तो कन्वर्टेशन यहाँ पे हुआ नहीं है शहर में, इस शहर में क्या पूरे महाराष्ट्र में कभी नहीं हुआ। ये 400 का आंकड़ा जो आप इस तरह से बता रहे थे कि 400 का आंकड़ा कई जगहों पर है, ये तो जब भी ऐसा नहीं, अभी आपने बताया था कि 2020 में 21 में और 22 में हमेशा 400 का आंकड़ा बनाए रहा है, ये 400 का आंकड़ा पता नहीं क्या इसके साथ में जुगलबंदी है कि यूपी कन्वर्टेशन इन यूपी मारूत है ना 400 जी है ना, राजस्थान का भी आपने बताया था, मैं बता रहा हूँ आपको बता रहा हूँ। ये देखिए ये राजस्थान, ये राजस्थान का है, ये भी 400 है, फिर ये देखिए 400 तमिलनाडु, 400 का आंकड़ा समझ के बाद एक पैटर्न बना दिया गया है 400 का। मेरे ख्याल से गाजियाबाद ने भी यही सोचा कि जब 400 का आंकड़ा चलता है तो लो 400 का आंकड़ा यहाँ पे भी फिट कर दिया जाए, तो 400 का आंकड़ा यहाँ पे भी वो है। अभी 400 लोगों को अगर धर्मांतरण इस शहर में कराया गया है तो इसका हम सिर्फ और सिर्फ यही डिमांड करते हैं कि या तो आप उसको साबित करें, यहाँ के कमिश्नर को हमारे यहाँ के डीसी साहब को लिस्ट दे दें कि कहाँ पे कन्वर्टेशन हुआ है, किधर रहते वो लोग, और या तो आप माफी मांग लें, शहर पे जो एक लाचन लगा है वो खत्म होना चाहिए। यानी ये 400 की फिगर को लेके यूपी राजस्थान और मुमरा कहीं ना कहीं साजिश रची जा रही है, तमिलनाडु में भी कहीं ना कहीं ये फिगर को लेकर साजिश रची जा रही है। समझ में नहीं आता कि 400 का फिगर क्यों आता है, अगर मुमरा का भी नाम आया तो 400 आया, तमिलनाडु का तो 400, मतलब जब भी होता है तो 400 रहता है, तो ये क्या भड़काया जाता है कि क्या किया जाता है, या इतना गैर जिम्मेदाराना, एक इतना बड़ा अफसर इतना गैर जिम्मेदारा बयान देता है। भाई साहब मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि जो आपने जो 400 का आंकड़ा बताया धर्म परिवर्तन का, आज जो पत्रकार परिषद ली गई है, तो ऐसा नहीं लगता है काफी लेट हो चुके आप, ऐसा उसके अरेस्ट करने से पहले भी आप एक पत्रकार परिषद रख सकते हैं? नहीं नहीं ऐसा नहीं, उसको अरेस्ट हुआ उसके बाद हमारा बयान अलग था ना, उसके बाद ये कानूनी हमारी चारा मतलब कानूनी हमने सभी इसके ऊपर वो किया, ये सारी चीजों को इकट्ठा करना, इसमें आप लोगों को टाइम लगे, इसमें हम लोगों को टाइम लगा, इन्वेस्टिगेशन सर्चिंग चालू था। हमारा ये था कि देखो बाइट दे देना आसान है, यूपी पुलिस के खिलाफ बात करना बहुत मुश्किल बात है। आज आपको सब मालूम है उत्तर प्रदेश पुलिस का क्या हाल है, क्या रोल है, जल्दी आदमी कोई बोलता नहीं। हम लोग ने ये सोचा एडवोकेट जलील साहब आए मेरे पास, इसके ऊपर कुछ ना कुछ हमको अब जो है राइटिंग पे बात करना चाहिए, ये बस हो गया, ये बाइट दे दिया मतलब बाइट दे दिया, बहादुर बन गया, कोई और बहादुर बन गया, नहीं थोड़ा कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, तो इससे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के लोगों को एहसास होगा कि नहीं ये जो कम्युनिटी के ऊपर हम बार बार इस तरीके के ये कानूनी बात करेंगे, तो जब एक कानूनी बात करेंगे तो कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारान इस तरीके के बयान देंगे ना उनको आगे कहीं ना कहीं रुकावट होगी उनके आगे बढ़ने में, तो उसके बाद फिर ये चीजें बंद होगी। भाई साहब बाईपास के दरगाहों के मुद्दे से लेकर ये कन्वर्जन के मसले तक उमरा को कंटिन्यूअसली हम देख रहे हैं कि मिनी इस पे मीडिया द्वारा काफी हाईलाइट किया जा रहा है, और इसको अगर महाराष्ट्र की राजनीतिक स्थिति से भी हम ले लें तो वो भी इसमें कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, तो आपको क्या लगता है कोई राजनीतिक टारगेट है ये उमरा को लेकर? है ना मैंने क्या बोला आपको पिछले उसमें, मैंने क्या बताया कि जब किसी चीज की ऐसी जरूरत पड़ती है तो माइनॉरिटीज पॉकेट को ढूंढा जाता है टारगेट बनाने के लिए, और इस वक्त सबसे सॉफ्ट जो टारगेट होता है वो माइनॉरिटी होता है, और ये मुमरा जो है आसान टारगेटेड है,
मैंने कहा ना कि पिछली बार जब संगारी साहब को कमिश्नर बनने का तो यहाँ कश्मीरी आतंकवादी पकड़ लिए गए। मालूम पड़ा कि जो जिसके यहाँ वो सिर्फ सप्लाई करते थे वही मारवाड़ी भाई जो है वो जाके थाना कोर्ट में उनकी जमानत करा रहा था। तो इस तरीके के हालात होते। जादव साहब को भी नेता बनना था तो मुमरा आ गए ना, पालघर जाने के बजाय और कहीं जाने के बजाय थाना में कुछ काम करने के बजाय मुमरा। तो ये अभिनय जादव आसान टारगेट है, लोग रिप्लाई नहीं देते हैं, लोग शांत हो जाते हैं। तो कम से कम कानूनी नोटिस वगैरह देना चाहिए, तो कम से कम कुछ तो मालूम पड़ना चाहिए कि नहीं भाई है कुछ लोग जागरूक। भाई साहब अभी आप बोल रहे कानूनी नोटिस उनको भेजा गया है, तो उसका जवाब वगैरह कुछ आया है आप लोग के पास? नहीं नहीं, अभी आज भेजा गया है, आज ही भेजा गया है। अब इसका क्या जवाब आता है? हाँ नहीं आएगा तो फिर हम कोर्ट में जाएंगे। अच्छा, कानूनी कार्रवाई जो भी कार्रवाई जितना भी प्लान चल रहा है माइनॉरिटीज के अगेंस्ट में, क्यों नहीं एक स्ट्रांग आवाज उठती है सबके साथ मिलकर के जिससे इसको रोका जा सके? देखिए इस पर जो है ना बड़ी तंजीमों को काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये इस तरीके का रोज खेल हो चुका है। शहर को बदनाम कर दो, आबादियों को बदनाम कर दो, तो कहीं ना कहीं अब इस पर बड़े लोगों को भी इंटरफेयर करना पड़ेगा। ये रोज रोज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, रोज आना बात करना समझ के बाहर है। और ये जब तक आगे का चुनाव नहीं हो जाता है जब तक ये चलता रहेगा। भाई साहब अभी आपने बड़ी तंजीमों की बात की, जमीयत उलमा जमात इस्लामी की खामोशी को लेकर क्या कहेंगे? देखिए उनको बोलना चाहिए, वो तो हमारे मतलब समझ जाइए सर्वे सर्वा है, उनको तो फौरन इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था। बात ये नहीं कि क्या नाम है वो लड़का जो था शाहनवाज, तो उसने क्या किया क्या नहीं किया, तो उसके देखना चाहिए कि वो क्या है, सच्चाई है या झूठ है या फेक है जो आजकल चलता है, एक मटका डाल दो जेल में अपना 2 साल के बाद सब भरी छूटते हैं। तो इस पर जमीयतुल उलमा तो काम करती है, नो डाउट, जमात इस्लामी भी काम करता है, लेकिन पता नहीं कि इस मामले में खामोश है, जबकि हमारी बहुत अच्छी जमातें हैं ये काम करती हैं, मेरे समझ में नहीं आता चुप क्यों। राजनीतिक माहौल के हिसाब से धर्मांतर मामले में क्या ये लगता है कि ये साजिश या कोई माहौल बनाने की उम्मीद की जा रही है? देखिए कर्नाटक में सारे माहौल बन गए और इनके पास कोई रास्ता नहीं है, ये सरकार के पास, ये इसी तरीके की बात आखिरी तक करते रहेंगे। फसादात पैदा कर किया जाएगा, फसादात होगा, मतलब अभी हर चीज में एक मुसलमान एंगल लाया जाता है। ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, देश के 400-500 लोग एक जगह पर मर गए, उसमें भी कहीं ना कहीं से एक मस्जिद ढूंढ के लेके आई गई। तो ये हर एंगल को कहीं ना कहीं माइनॉरिटी से जोड़ने का काम है और इसी को वोट बैंक समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब देशवासी जो है हमारे मुल्क का वो होशियार हो चुका है, इतना तो अब जान चुका है कि बीजेपी के लिए मुसलमान वोट बैंक है। मुसलमान माइनॉरिटीज के लोगों को बोलो, उनके ऊपर कुछ ना कुछ हो करो। किस तरह की छानबीन आपने 400 लोगों के धर्मांतरण को लेकर के की है? इसमें काफी असलाम अलैकुम, इसमें काफी दिनों से एक न्यूज चल रही थी, क्या एक लड़का है जिसका नाम जो है शाहनवाज करके, उसको तो हम पहचानते नहीं है, अगर उसने कोई अनकॉन्स्टिट्यूशन चीज किया है तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उसको जो सजा मिलती वो दी जाए। दूसरा ये कि हम शहर में रहते हैं, हम यहीं पे पैदा हुए, तो शहर को बदनाम करने के लिए चीज़ें चलाई जा रही थी। मेरी सेहत भाई से बात हुई थी तो भाई साहब ने बताया कि अपने को क्या करना चाहिए, हमने बैठ के डिस्कस किया, डिस्कस करने के बाद में ऐसा है क्या इन पर एक लीगल नोटिस दी जाए। तो लीगल नोटिस में मैं मेरे कलीग के साथ में बैठ के जब उसको सर्च करने के बाद में ऐसा पता चला कि मेरठ के अंदर भी एक सेम न्यूज़ ऐसी छपी है, राजस्थान के अंदर भी ऐसी चीज़ छपी है और तमिलनाडु भी, हमारे को फिलहाल इतनी चीज़ें मिली है, और कोर्ट के अंदर भी टाइम्स ऑफ इंडिया के पेपर के अंदर ऐसी चीज़ें आई थी कि इनके ऊपर कोई चीज़ों का कोई प्रूफ एविडेंस नहीं मिला है। खैर मिला नहीं मिला वो उनका पार्ट है, लेकिन 400 धर्मांतरण यहाँ पर नहीं है, क्योंकि हम जो रहते हैं ना हमारे इधर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते हैं, तो कोई भी दूसरे बच्चे जो कॉल सेंटर में काम करते हैं और दूसरी जगह पे दीगर जगहों पे काम करते हैं, हम भी एडवोकेट है और कोर्ट में काम करते हैं, तो काफ़ी हमारे से कलीग्स है, तो इसके अंदर से जो होता है ना तो लोगों के दिमाग के अंदर एक दूसरे के लिए जो है वो गलत व्यू जाता है,
माँ बाप जो है वो अपने बच्चों को बोलते कि इनके साथ मत रहो, इनके साथ मत रहो। तो हमारा ये बोलने का मकसद ये था, नोटिस देने का मकसद ये था कि मोहरा एक ऐसा शहर है जहाँ आज तक के कभी किसी जात पात के ऊपर झगड़ा नहीं हुआ और इंशाल्लाह कभी होगा भी नहीं, क्योंकि हमारी सोच बड़ी अलग है इसके हिसाब से दिए कि बाकी बच्चे लोग को इस चीज़ का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह सैयद भाई के माध्यम से इसको जो है वो ऑन रिकॉर्ड पर लाएंगे कि ऐसा कोई 400 धर्मांतर मुमरा के अंदर कहीं हुआ ही नहीं। ये किस किस को नोटिस दिया गया है? ये नोटिस जो है यूपी के योगी, यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ को, कमिश्नर को और डेप्यूटी कमिश्नर, क्या इसे मेंशन क्या किया? अच्छा, नोटिस में क्या मेंशन किया गया? नोटिस में मेंशन ये किया कि आपने जो फॉल्स एलिगेशन 400 का लगाया, ठीक है, आप इस चीज को प्रूफ करो महाराष्ट्र के अंदर, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर जो आप हमारे पे इंजाम लगा रहे कि इतने लोग कन्वर्ट हो रहे, आप अगर सेकेंड वे पे चेक करेंगे तो यहाँ से भी लोग कन्वर्ट हो रहे, हम उसके इशू पे नहीं जा रहे, वो ठीक है जो कन्वर्ट हो रहे वो उनका अलग पार्ट है, लेकिन इसके तो आप इस चीज को प्रूफ करो ना, क्योंकि एक शहर है जब तकरीबन 80% जो है मुसलमान है, 20% ही है। आप किसी भी जो रनिंग के अंदर न्यूज़ चला लो, किसी हिंदू को नॉन मुस्लिम को आप पकड़ रहे कुछ लोग, मैं तो ये हिंदू मुस्लिम करते करते हम तो हिंदुस्तानी है, आप किसी को पूछ लो क्या कभी ऐसा हुआ क्या? हमारे भी दोस्त हैं, हमने कभी इनको नहीं बोला कि तुम मुसलमान बन जाओ। तो ऐसे के अंदर जो है यहाँ शहर का माहौल जो है वो खराब होने की बात है। यहाँ पर मुमरा के अंदर पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले भी काम करते हैं, जो छोड़ के चले जाते हैं वो दूसरों की महफिल में आते हैं, 10 बार सैयद भाई के ऑफिस पे आते, क्यों आते? तो ये हमारा रिलेशन और हमारी मोहब्बत की वजह से आते। अभी भी नहीं, न्यूज में देखा एक ट्रेन के अंदर 20-25 लड़के लोग को जो कुछ भुसावल पुलिस में, तो ये बात में उसका फेस सेकंड फेस बाहर आया तो कुछ और ही निकला, मुसलमान था तो बोले बस न्यूज बना दो और केस। नोटिस का जवाब नहीं आता तो क्या आगे कोर्ट की कार्रवाई करेंगे? इसके लिए क्या होता है, लोग न्यूज पर आके बोलते हैं, ऑन पेपर कोई काम नहीं करते। आपकी दुआओं से, सैयद भाई की दुआओं से अल्लाह ने हमको एडवोकेट बनाए शहर का, तो इस शहर के छोटा सा एक काम करने की ऐसी पहलू करे। हाँ, सैयद भाई ने हमारे को बोले तुम करो, हम तुम्हारे साथ है, कि इस चीज़ पे किसी का सपोर्ट भी होना जरूरी है, क्योंकि जैसे उन्होंने बता दी कि यूपी में क्या चलता है और क्या आता है, तो उन्होंने हमारे को हिम्मत दी, हमने इस चीज़ की जो है उनको नोटिस दी, ठीक है, जैसा भी देगा उस तरीके।